भाभी जी पाय लागो, एक गरम चाय की प्याली हो, कोई उसको पिलाने वाली हो, चाहे गोरी हो या काली हो, लेकिन खबरें सुनाने वाली हो। जी हाँ भाभी जी, क्या है ना, दिन भर न्यूज चैनल पे रहता हूँ तो मेरी ना आदत और मेरी जो फरमाइश है वो भी ऐसी हो गई है। मैं चाहता हूँ कि मेरी लाइफ में कोई ऐसी लड़की आए जो दिन भर खबरें सुनाती रहती हो। जी हाँ, क्योंकि मैं खबरों के बिना रह नहीं सकता हूँ, आप तो जानती हैं। तो आइए ना भाभी जी, सफर की शुरुआत करते हैं और आपको आज की स्पेशल खबरें दिखाते हैं। रॉकी ने किया रूथ को बेघर, नैना ने भी छोड़ा अपना घर, कार्तिक के भाइयों की नायरा ने बचाई जान, शादी से पहले कीश्वर ने दिया अपने नेल्स पर ध्यान, यामिनी की तिजोरी देखा जाएगी आपके चेहरे पर भी स्माइल। भाभी, जब किसी लड़के और लड़की की शादी होती है तो शादी से पहले दोनों तैयारियां करते हैं, लेकिन दोनों की तैयारियों में बहुत डिफरेंस होता है। लड़कियां पार्लर जाती हैं, नाखून वाखून कटवाएंगी, मेहंदी लगवाएंगी, है ना, मेकअप वेकअप ये सब चलता है। हम लड़के शादी से पहले हम इसी टेंशन में रहते हैं, यार कार्ड बटे कि नहीं बटे, ये पीछे वाला कमरा क्यों नहीं बड़ा हुआ अभी तक, और वो बनारस के फूफा जी उनका टिकट हुआ कि नहीं हुआ, इसी टेंशन में रहते हैं। बस हम लोग ये करते हैं कि शादी वाले दिन आंखों में काजल लगाते हैं और घोड़ी पर बैठ कर निकल लेते हैं। कई बार तो घोड़ी देखकर हंस पड़ती है कि अबे इसकी शादी हो रही है, हमें कहाँ टाइम मिलता है। भाभी, जिसे ढूंढता हूँ मैं हर कहीं, जो कभी मिली मुझे है नहीं, मुझे जिसके प्यार पर हो यकीन, वो लड़की है कहाँ। हाय गाइस, मैं किश्वर और मैं यहाँ पर हूँ नील स्पा एक्सपीरियंस पे, और मैं यहाँ पर आई हूँ न्यूज़ 18 मुझे यहाँ पर लिख रहा है, बिकॉज ऑब्वियसली मैं ब्राइड टू बी हूँ, तो वो लोग मुझे यहाँ पर लिख रहे हैं अपने नील्स को स्पा देने के लिए। तो अब मैं आराम से बैठूंगी और लोग मुझ पर काम करेंगे कि मेरे नेल्स होंगे, मेरा पेडिक्योर होगा, एंड आई विल जस्ट चिल। सो थैंक यू न्यूज़ 18 फॉर डूइंग दिस फॉर मी। सुयश का जहाँ तक सवाल है, आई थिंक इट्स गोना बी 6 years, या इन जनवरी, सो आई एम क्वाइट यूज्ड टू बीइंग विद हिम। या द ओनली थिंग इज दैट वी नेवर यूज्ड टू स्टे इन द सेम हाउस, तो नाउ वो एक अलग वाली फीलिंग होगी, बिकॉज वी विल बी स्टेइंग इन द सेम हाउस, तो वो एक ही इंसान की शक्ल मैं रोज़ देखूंगी उठ के। So yeah, that'll be different. चाहत के दो पल भी मिल पाए, दुनिया में ये भी कम है क्या, दो पल को तो आओ हो जाए, पूरे हम होता हम है क्या, सेनोरिटा सुनो सुनो सेनोरिटा कहते। हाँ, मज़ा आ रहा है, एंड आई थिंक इट्स वेरी इंटरेस्टिंग व्हाट मम्मी इज़ डूइंग। शी इज़ डूइंग एकदम पांचों नेल्स अलग टाइप के इन गोल्ड, तो एक में सीक्वेंस है, एक में कुछ और गोल्ड का है, एक में मोटा सीक्वेंस, एक में कुछ और, एक रेड है, तो या इट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग, एंड माई हैंड्स आर लुकिंग लाइक वेरी ब्राइट एंड राइट नाउ। यू नो एक्चुअली अनफॉर्चुनेट पार्ट इज, मेरे हमेशा मैंने जब भी नेल आर्ट कराया ना, बहुत लाउड नेल आर्ट कराया, तो फॉर मी दिस इज ऑल्सो फीलिंग लाइक कि मतलब यू नो ये तो हाँ, मतलब एक ऐसा एक नेल है जो मैंने पहले भी कराया है, तो बट ऑब्वियसली इतना गोल्ड मैंने कभी नहीं कराया था। ऐसा लग रहा है जैसे यू नो कि वो शादी से पहले एक थोड़ा सा लिटरली लाइक अ स्पिंस्टर रहने का मौका मिला है हम दोनों को, आया हिम एज अ बैचलर एंड मी एज अ स्पिंस्टर, कि हम दोनों सिंगल रह रहे हैं कुछ टाइम के लिए, सो वी आर जस्ट हैंगिंग आउट विद आवर फ्रेंड्स एंड नॉट यू नो बॉदरिंग कि वो क्या कर रहा होगा या मैं क्या कर रही हूँ। एंड मैं यही सोच रही थी कि मैं कैसे रहूँगी सुयश के साथ। एक तो मैं दो रातों से ना आई हैव बीन स्टेइंग विद दीज गर्ल्स, वो मेरे साथ मेरे घर पे रह रहे हैं, बिकॉज सुयश हैज़ बिन आउट, तो उसका जो घर में हम बेसिकली आफ्टर मैरिज शिफ्ट करने वाले हैं वो घर खाली पड़ा था, तो हम तीन लड़कियां वहाँ पर रह रही थी, वी कॉलिंग पिज्जाज एट नाइट, वहाँ पर यू नो लाइक फुल ऑन पार्टी चल रही थी। तो अब उसके बाद उस घर में सुयश के साथ रहना, ऊप्स कैसे होगा।
had इतने gold nails ever, but I think it feels very good and very nice. And I like the whole thing of me getting I do done. Like the whole concept of having just one nail which is red and it has I do written. So yes, I do. I'm getting married. बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था. मैं हर बार जब भी यहाँ पर आती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. बिकॉज आई एम सो यूज टू गेटिंग इट डन हियर. मैं हमेशा यहीं पर अपने नेल्स करवाती हूँ. हम सब एक्चुअली ये सोच रहे थे कि क्या करें क्या करें, एंड देन वी वर लाइक ओके. तो अर्लियर आई वॉज वॉन्टिंग टू डू द गोल्ड, जो क्या है वो गोल्ड वाला कौन सा था दूसरा जो मैं करवाना, हाँ मेटेलिक वाला मैं करवाना चाहती थी, बट बिकॉज वो बहुत गोल्ड उसमें बहुत डल था एंड आई वॉन्टेड समथिंग लाइक झटका. So then we opted for the glitter and I think it's looking really nice. And once again I want to thank News 18 for getting me to Nail Spa experience and for giving me such a beautiful experience. भाभी जी, सीरियल नागिन से थोड़ी देर पहले मुझे यामिनी जी की कॉल आई थी. बोले देवर एक बीन चाहिए. मैंने कहा क्यों? तो बोले हाँ वो रुद्र को पकड़ना है. मैंने दे दिया. थोड़ी देर के बाद मुझे रुद्र की कॉल आई कि देवर भाई मुझे दूरबीन चाहिए. मैंने कहा वो क्यों? तो बोले सुना है कि यामिनी मुझे पकड़ना चाहती है. भाभी कुल मिला के बात ये है कि सीरियल नागिन से कुछ चले ना चले मेरा बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा है. मैं सोच रहा हूँ कि कब नाग पंचमी आए तो मैं दूध की डेयरी खोलूँ. इस दिल से आह निकलती रही, तुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया. तो लुट गए, हाँ लुट गए, तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में. रुद्र अब इस घर में नहीं रह सकता, उसे अब इस घर से जाना ही होगा, क्योंकि रॉकी नहीं चाहता कि रुद्र यहाँ रुके. जी हाँ, रॉकी ने खुद रुद्र को घर के बाहर का रास्ता दिखा दिया है और धक्के मार कर उसे अपने घर से भगा दिया है. Now get out of my house. Get out. मैं चाहता हूँ तुझे अभी पुलिस के हवाले करना. शुक्र मना सिर्फ घर से बाहर निकाल दूँ. इसमें कोई लेमो करने का नहीं. जो कर रहा हूँ अपनी फैमिली की खुशी, उनकी शांति का लेकर. आप सोच रहे होंगे कि आखिर रॉकी ने ऐसा किया क्यों? बस रॉकी से शिवांगी और रुद्र की नजदीकियां और बर्दाश्त नहीं हुई. ये जितने भी प्लानिंग है जिसमें रॉकी रुद्र को घर से बाहर निकालता है वो रुद्र की ही प्लानिंग होती है. बिकॉज उसको अभी डाइवर्ट करना है. जितना भी शक शिवांगी के ऊपर डला हुआ है और रॉकी उसको डिवोर्स दे रहा है. जी हाँ, रॉकी को शक है कि रुद्र और शिवांगी के बीच कुछ चल रहा है और इसीलिए वो नहीं चाहता कि रुद्र इस घर में रहे. देखिए कैसे वो उसे कॉलर पकड़कर बाहर निकाल रहा है और पूरा घर देख रहा है ये तमाशा. दुश्मन मोस्टली शिवांगी अपना इंतकाम ले रही है, तो वो घर में रहेगी तो ही अपना इंतकाम ले पाएगी, तो इसलिए रुद्र ये प्लान करता है. लेकिन इस पूरे तमाशे में जो सबसे ज्यादा खुश है वो है यामिनी. जी हाँ, रुद्र के बाहर जाने से यामिनी को हो गया है फायदा. अब आप पूछेंगे क्यों? दरअसल यामिनी को पता चल गया है कि रुद्र साधारण पुरुष नहीं है बल्कि एक नाग है. यामिनी इटसेल्फ शी इज अ वेरी मतलब होता है कि बहुत मेन विलन तो वही है यामिनी घर की, और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो हम मैं और शिवांगी मतलब होता ना उससे लड़ रहे हैं. लेकिन टक्कर होगा, आई एम श्योर होगा अभी, और कैसे होगा वो मुझे भी नहीं पता. वैसे आपको बता दें कि इस पूरे ड्रामे के पीछे कहीं ना कहीं रुद्र का ही हाथ है. जी हाँ, रुद्र खुद ही चाहता था कि वो किसी न किसी बहाने घर से बाहर निकल जाए ताकि शिवांगी और रॉकी के रिश्ते में सुधार आ सके. यानी रॉकी का यूं रुद्र को घर के बाहर का रास्ता दिखाना और खुशी खुशी रुद्र का घर छोड़ कर जाना सब कुछ पहले से प्लान किया हुआ था. कैरेक्टर वाइज आई एम हैप्पी दैट रुद्र मतलब होता है ना नॉट लाइक ऐसे फालतू का वो नहीं है, मतलब शार्प थिंकर है. तो मुझे 101% अगर उसने खुद ये प्लान किया है कि घर से उसको निकाल दिया जाएगा तो कुछ सोच के किया होगा, और वो आपको और मुझे आगे देखने को हो सकता है मिले. अब देखना ये है कि रुद्र का ये बलिदान कितना काम आता है और क्या इस बलिदान के बाद रुद्र अपना बदला ले पाएगा.
रुचिका सिंह के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई, न्यूज 18 इंडिया। कल मुझसे किसी ने पूछा, देवर एक बात बताओ, अगर लड़कियां पराया धन होती हैं तो लड़के क्या होते हैं? मैंने कहा, भाई इस हिसाब से हम लड़के चोर होते हैं, क्योंकि चोरों की नजर हमेशा पराये धन पर रहती है ना। का दिल है उदास, नहीं रहना चाहती वो राघव के साथ, इसीलिए आज छोड़ चली नैना राघव का घर और फंस गई तूफान में जाकर। नैना ब्लिजर्ड में फंसी हुई है और उसे पता चलता है कि वो घर पर नहीं है, तो राघव अभी उसको ढूंढ रहा है यार कि कहाँ है, मतलब इतने खराब वेदर में कुछ भी हो सकता है, एंड अनजान देश है वो, अभी आई है, सो ही इज जस्ट सर्चिंग फॉर अ फ्रेंटिकली, एंड एक सेक्शन के बाद जहाँ ये सब हुआ है वहाँ अलाउड नहीं है जाना, सो सब कॉप्स उसे रोक रहे हैं, और फिर वो कैसे मैनेज करके उसके पास पहुँचेगा। जी हाँ, नैना का टूट गया है दिल, इसीलिए लोगों के मना करने पर भी नहीं रुक रही नैना, बड़ी चली जा रही है तूफान की ओर, जिसकी वजह से राघव है परेशान और कर रहा है उसकी तलाश। बेबसी दर्द का आलम, तुम मुझे दे दो अपने गम, खामोशियां भी दो, तन्हाइयां भी दो, बेचैनियां भी दे दो, दे दो ना। क्यों होता है ना, कभी कभी बहुत ज़्यादा अपसेट होते हैं, आपको पता नहीं होता आप कर क्या रहे हो एक्चुअली, आप वो इतने सारे थॉट्स आपके माइंड में से गुजर रहे होते हैं, और जस्ट इन दैट माइंड यू नो, इन दैट जोन ऑफ योर लाइफ, कि आपको पता नहीं हो रहा है क्या हो रहा है, एंड देन यू डोंट नो हाउ टू रिएक्ट टू दैट। तो जारी है आपका नैना को बचाने का अभियान, लेकिन जरा ये तो बताइए कि कब देखने को मिलेगा हमें आप दोनों का साथ। लेट्स सी राघव और नैना के बीच में कैसी चीज़ें ठीक होती है, तो उसके लिए तो लोग जुड़े रहेंगे शो से, और आई होप जल्दी ठीक हो जाए, बट जो प्रोसेस है ठीक होने का वो बहुत इंटरेस्टिंग होता है। वैसे एक बात गौर की आप सभी ने, जरा देखिए तो सही, मुंबई को कैसे बनाया इन्होंने ऑस्ट्रेलिया, जिसे शूट करके राघव को बड़ा मजा आया। फिल्म सिटी है तो वैसे ही ठंडा है, इतना ठंडा नहीं है ऑस्ट्रिया जितना, बट काफ़ी ठंड हो जाती है। कल हम मेरी आवाज़ भी बैठ गई है, बिकॉज जो स्नो है वो यू नो इट्स एक्चुअली साबुन का झाग, एंड गले में लगता रहता है, तो कल हम सुबह 6 बजे तक शूटिंग कर रहे थे, एंड इट वॉज़ वेरी कोल्ड हियर, और सब लोग ऐसे ऐसे घूम रहे थे, तो मुझे एक्चुअली ऑस्ट्रिया की याद आ गई, कि जब हम वहाँ सुबह 5 बजे उठ के शूटिंग करते थे, सबकी हालत ख़राब होती थी, मतलब ब्रेकफास्ट खाते थे तो सैंडविच भी लोग धीरे धीरे ऐसे उठा रहे थे। मतलब मुंबई में ही मिल गया आपको विदेश का मजा, चलिए विदेश का मजा तो ले लिया, अब जरा नैना को बचाइए कहीं छूट न जाए आप दोनों का साथ। आलोक मिश्रा के साथ नेहा पिलखवाल, मुंबई, न्यूज 18 इंडिया। भाभी जी, फ्राइडे को मेरे साथ एक मजेदार किस्सा हुआ, मैं गया बैंक पैसे निकालने के लिए, तो मेरे आगे एक लड़की खड़ी थी, कैशियर ने उसे 500 के चार नोट दिए, तो लड़की बोली, नहीं भैया इसे अपने पास रख लीजिए, मुझे 2000 का नोट दो, क्या है ना 2000 के नोट का रंग मेरे सूट के साथ मैच करता है। बताओ भाभी, यहाँ खुले मिल नहीं रहे हैं और लड़कियाँ बैंक में भी कलर कॉम्बिनेशन बना रही हैं। खैर, लड़कियों को क्या पसंद है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क पड़ता है कि मेरी भाभियों को क्या पसंद है। मेरी भाभियों को पसंद है धमाकेदार खबर, तो भाभी जी आपके बस इसी बात का ख्याल रखते हुए आइए आपको दिखा दे अगली धमाकेदार खबर। ऑल नाइट लॉन्ग तुझे देखते
देखेगा राजा टेलर के पिक्चर दिखा दो, देखेगा राजा टेलर के पिक्चर दिखा दो, देखेगा राजा टेलर के पिक्चर दिखा दो। फिर एक बार तिवारी जी का दिल मचला, अनीता भाभी का नशा इस कदर है चढ़ा कि तिवारी जी ने जैकी श्रॉफ का गेटअप ले डाला। और नहीं तो क्या, बात हो अगर अनीता भाभी को इम्प्रेस करने की तो तिवारी जी कहाँ छोड़ते हैं कोई भी मौका। मैं जैकी श्रॉफ बना हुआ हूँ, लग रहा है देवानंद क्या मेरी शक्ल में कुछ ऐसा है, मैं क्या करूं, लेकिन मैं पूरी कोशिश ये सब कर रहा था। आई थिंक ही वाज डेफिनेटली लुकिंग लाइक जैकी श्रॉफ, क्योंकि देवानंद का एक अलग स्टैंड होता है, वो पूरे हिले अलग ही उनका होता है, हड्डियां कंट्रोल में नहीं रही है। बात है भाभी जी को हीरोइन बनाने की, इसीलिए तिवारी जी सिखा रहे हैं भाभी जी को एक्टिंग। एक्टिंग के बहाने तिवारी जी करना चाह रहे हैं भाभी जी से सेटिंग, लेकिन क्या तिवारी जी की बैठेगी भाभी जी के साथ ट्यूनिंग? भाभी जी को प्रैक्टिस करा रहा है एक्टिंग की, क्योंकि जैकी श्रॉफ को तलाश है एक हीरोइन की, और तिवारी को लगता है कि इनसे बेहतर हीरोइन हो ही नहीं सकती कोई। देखिए तिवारी जी की एक ये बहुत बड़ी क्या कहना चाहिए वीकनेस है कि वो अनीता जी को किसी तरह इम्प्रेस कर दें। तो ये उनकी फैंटेसी है कि मैं बहुत इम्प्रेस हो रही हूँ उनसे, ओह माय गॉड लुक एट हिम माय हीरो। तो ये इनकी बेसिकली इट इज हिज ड्रीम। आना मेरी बाहों में आ जाना। तिवारी जी आप भले ही सजा लीजिए भाभी जी के सुंदर सुंदर सपने, लेकिन भाभी जी के आगे आपकी दाल नहीं गलने वाली, क्योंकि भाभी जी नहीं है हमारी सीधी साधी। वो अपनी दाल पकाते रहेंगे और मैं कुकर की सीटी हटाती रहूंगी। चलिए देखते हैं तिवारी जी क्या कमाल दिखाते हैं अनीता भाभी के संग, कि अनीता भाभी को हीरोइन बनाने का सपना लाएगा रंग। सोनिया शर्मा के साथ गीतिका पंत, मुंबई, न्यूज 18 इंडिया। भाभी जी मैंने पूरी गर्मी निकाल दी ये बोलते बोलते कि सीरियल ये रिश्ता में नायरा और कार्तिक का रोमांस चल रहा है। अब ठंड के मौसम में मुझे लगता है कि पूरी ठंड निकाल दूंगा ये कहते कहते कि सीरियल ये रिश्ता में नायरा और कार्तिक की लड़ाई चल रही है। मैं काम करता हूँ, राइटर के पास जाके पूछ लेता हूँ कि ये लोग पतझड़ में क्या कर रहे हैं, उसी के हिसाब से मैं भी शूटिंग करके रख लेता हूँ। जैसे ही सीरियल ये रिश्ता की कोई खबर आएगी मैं भी वही टेप चला दूंगा। जरा बात नहीं बनी तो मेरे भाइयों के थ्रू बात बनवाने की कोशिश कर रही हो। नायरा जो भी प्रॉब्लम है वो हमारे बीच है, उसको इन बच्चों को बीच में घसीटने की जरूरत नहीं है। हाँ तो चिल्ला ही रहा हूँ कब से, तुम्हें बात समझ में आती चिल्लाने पे? किस मिट्टी की बनी हो पता नहीं। कार्तिक है नायरा से नाराज, नायरा की नहीं सुनना चाहते वो बात। भाई कार्तिक मियां की तो नाराजगी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही, तभी तो नायरा की हर बात उन्हें लग रही है गलत। दरअसल नायरा और कार्तिक पहुंचे एक ही मार्केट में, जहां नायरा ने बचाई कार्तिक के भाइयों की जान, जिसे कार्तिक ने समझा नायरा का प्लान। बहुत कुछ हो रहा है, आई थिंक इतना कुछ हो चुका है एक्सीडेंट से लेके, क्योंकि उस वक्त कार्तिक को खुद को पता नहीं था कि वो ड्रंक है, उनका एक्सीडेंट हुआ है। नायरा जो आरोप लगाती है, बिकॉज नायरा इज़ हिज फर्स्ट प्रायोरिटी, सबसे पहले नायरा आती है उसके लाइफ में, और जब कोई इंसान जो आपसे इतना प्यारा हो और वो इंसान आप पे आरोप लगाए तो सबसे ज़्यादा हर्ट करता है। सो येस देर इज़ अ हिट एंड मिस विद नायरा हो, या ये एक मार्केट प्लेस बनाया जहाँ पे नायरा के साथ हिट एंड मिस होता है, और फाइनली वो लोग आमने सामने भी हो जाते हैं, लेकिन वो लोग का जो गुस्सा है, जो आपस में एक दरार आ चुकी है, वो अब तक गई नहीं है। वैसे जल्द ही हो गया कार्तिक को अपनी गलती का एहसास, लेकिन नायरा की गलती ही है इतनी बड़ी कि इतनी आसानी से नहीं करेंगे वो इन्हें माफ। बस
सब कह कह कर थक गया हूँ मैं, अपने आप को साबित कर करके थक गया हूँ। तुम्हें हर चीज का सबूत देना पड़ता है, पता है, चाहे वो प्यार हो, बेगुनाही हो, हर चीज साबित हो, बट क्या वो मुझे नहीं। लव कुश को उन्होंने बचाया तो सही, लेकिन उनको और पापड़ बिलने पड़ेंगे, इससे काम नहीं चलने वाला, क्योंकि बहुत बड़ा आरोप लगा है। पहले उनके फादर की किडनैपिंग का आरोप था और अभी उनके मदर के एक्सीडेंट का। सो आई डोंट थिंक वो घाव इतनी जल्दी भरने वाले, बहुत बड़ा स्कार लग चुका है दोनों के रिलेशन में। पर यस, देयर इज स्टिल सम होप फॉर लव। मतलब उम्मीद बाकी है। वैसे कार्तिक जी, एक बात तो बताइए, इतने दिनों बाद मिली है आपको रिहाई, कैसा लग रहा है आपको? कार्तिक का पता नहीं, मोहसिन बहुत खुश है क्योंकि अभी फाइनली मैं पुलिस स्टेशन, कोर्ट, ये पूरा जो भी, जब से एक्सीडेंट हुआ है ड्रंक सीन से, मैंने एक ही कपड़ा पहना था, एक ही कॉस्ट्यूम चला जा रहा, फाइनली मेरा कॉस्ट्यूम चेंज हुआ, आई एम वेरी हैप्पी। चलिए अच्छा है, कम से कम दोबारा खुशियाँ लौट तो आई। अब तो बस इसी बात का है इंतजार कि कार्तिक को मनाने के लिए नायरा अब क्या करती है कुछ खास, जिससे दूर हो कार्तिक की नाराजगी इस बार। संजीव चौधरी के साथ नेहा पिलखवाल, मुंबई, न्यूज 18 इंडिया। चलो जाने दो, अब छोड़ो भी। तो भाभी जी, वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, मगर ब्रेक पर जाने से पहले अर्ज किया है कि नोटबंदी के बाद पूरे देश में एक अजीब सी मुसीबत आई है। और सुना है कि चिकनी चमेली भी खुला कराने आई है। आप तो जानती है भाभी जी कि जब तक दाल में तड़का ना लगे, दाल का मजा नहीं आता है। हमारा ये जो शो है ना, ये भी दाल की तरह है। जब तक इसमें कोई मसालेदार और तड़केदार खबर ना आए, तब तक इस शो का भी मजा नहीं आता है। तो आइए ना भाभी जी, अगली खबर इतनी ज्यादा मसालेदार है कि देखने के बाद नींबू पानी पीना पड़ जाएगा। हवा के झोंके आज मौसमों से रूठ गए, गुलों की शोखियां जो भंवरे आके लूट गए। बदल रही है आज जिंदगी की चाल जरा, इसी बहाने क्यों ना मैं भी दे का हाल जरा। सवार लूं, सवार लूं, सवार लूं, है सवार लूं। हाय, मैं हूँ सुधा चंद्र, और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जब मैं किसी मतलब गोल्ड शॉप के काउंटर पे बैठी हूँ, नॉर्मली मैं उस तरफ बैठती हूँ क्योंकि मैं खरीदने जाती हूँ, पर आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं खुद एक व्यापारी हूँ जो मतलब ये सब कुछ बेचने बैठी हूँ। बट दरअसल बात यह है कि मैं बेचने नहीं बल्कि आप लोगों को दिखाने के लिए बैठी हूँ। अब लोग हमेशा मुझसे पूछते रहते हैं कि वेयर डू यू गेट ऑल दिस ज्वेलरी फ्रॉम, मतलब ये कोई रिसर्च वर्क मैं कुछ नहीं करती, जहाँ जाती हूँ अच्छा लगता है पिकअप कर लेती हूँ। मैं ये नहीं कहूँगी कि लव फॉर ज्वेलरी, मैं ये नहीं कहूँगी, बिकॉज पर्सनल लाइफ में मैं बिल्कुल कुछ नहीं पहनती, बट यस, टेलीविजन के लिए या जिस काम से मैं जुड़ी हूँ उसमें मैं बहुत ही मतलब कॉन्शियस रहती हूँ, और एक आइडेंटिटी बनी गई है कि सुधा चंद्र मतलब हैवी ज्वेलरी, हैवी मेकअप, हैवी ड्रेसिंग, तो उस चीज़ को मैं हमेशा बरकरार रखती हूँ कि जब लोगों की ये उम्मीद होती है कि नागिन वन में लोगों का थोड़ा सा एक डिसअपॉइंटमेंट था कि सुधा जी आपकी ज्वेलरी कुछ कम से कम सी लग रही थी, तो नागिन टू में मैंने मतलब उनकी सारी शिकायतें दूर कर दी और भर भर के मैंने ज्वेलरी पहनी है। पागल दिमाग की हूँ, जो हर कोई पहनता है वो मैं नहीं पहनती। मैं हमेशा बिलीव करती हूँ एक्सक्लूसिविटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज टेलीविजन में खास तौर से यू हैव टू वेयर समथिंग डिफरेंट फॉर पीपल टू नोटिस यू। तो मैं हैवी ज्वेलरी पहनती हूँ, मुझे वो चीज़ें भी अच्छी लगती जो रास्ते में मुझे मिल जाती है, कभी तो मैं कर्टन जो टाइप्स है वो भी मैं पहन लेती हूँ। बट मेरा यही मानना है कि उतना कॉन्फिडेंस आप में होना चाहिए कि यू शुड हैव द कॉन्फिडेंस दैट यू विल कैरी एनीथिंग एंड एवरीथिंग विद लॉट ऑफ डिग्निटी। अगर आप देखेंगे सो दिस इज गॉट द वेरी यू नो डल गोल्ड पॉलिश है, ये डल गोल्ड पॉलिश है, कई कई मतलब जहाँ पर आप ब्रॉन्ज टाइप की साड़ियाँ पहनते हो तो यू शुड बी वेयरिंग समथिंग लाइक दिस। एंड देन ये बहुत ही एथनिक है, ऐसा लग रहा है कि कोई राजा महाराजा का किसी को मेडल दे दिया था और उस मेडल को मैंने मतलब इसमें कन्वर्ट कर लिया, बट व्हेन यू वेयर इट इट रियली लुक्स वेरी क्लासी, प्लेन साड़ियों में बहुत ही खूबसूरत लगता है। दिस इज एब्सोल्युटली साउथ इंडियन टेम्पल ज्वेलरी, टेम्पल ज्वेलरी बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, जैसे दिस इज वन ऑफ इट्स काइंड, और ये एक टेम्पल ज्वेलरी है जो मुझे बेहद पसंद है। दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ थेवा, इसमें मतलब मैं कुछ और मेरी खासियत यह है कि मैं कभी एक चीज़ नहीं पिकअप करती,
इसी में मेरे पास आई थिंक 8-10 कलर्स होंगे कॉम्बिनेशन में और प्लेन्स में. वाइब्रेंट पिंक, मतलब लोग बोलते हैं कि हाउ कैन यू वेयर दिस एज ए नेक पीस, पर जब मैं पहनती हूँ इट रियली लुक्स वेरी वेरी ब्यूटिफुल. अरे कभी तो कॉन्फिडेंस रखो, बड़ी बड़ी चीजें पहनो, लुक्स रियली नाइस. आई थिंक रिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और खासतौर से मैं अपने हाथ वाथ बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ. एंड दिस इज़ वन रिंग दैट्स वेरी डियर टू मी. मतलब लोग कहते थे कि यार तू ये कैसे पहन सकती है, मैंने कहा मैं ऐसे पहन लेती हूँ और जब अपना हाथ हिलाती हूँ तो 50% एक्टिंग तो यही कर लेता है. सी हाउ क्यूट इट लुक्स. और जब भी मतलब यू वॉन्ट टू स्क्रैच ऑल्सो यू कैन डू दिस, यू कैन पैम्पर योर सेल्फ. इट्स अ वेरी वेरी क्यूट, वेरी क्यूट. अगर आप देखेंगे तो कई इसमें तो लेबल भी नहीं निकाला है मैंने, बिकॉज द मेजर थिंग इज कि आई वॉन्ट टू वेयर इट फॉर सम वेरी वेरी स्पेशल ओकेशंस. बट येस, माई कॉम्बिनेशन बहुत प्ले करती हूँ. मैं कभी सिल्वर और गोल्ड साथ में नहीं पहनती. अगर गोल्ड है तो सिर्फ गोल्ड पहनूंगी और अगर सिल्वर है तो सिर्फ सिल्वर पहनती. लगता तो बड़ा मॉडर्न सा है बट इट्स कॉट, इट लुक्स वेरी क्यूट. जब आप मतलब बहुत ही सिंपल, जैसे मुझे आके बोलते हैं मैम थोड़ा सा डल पहनना है, तो वेयर लिटिल वेरी सिंपल ज्वेलरी. तो ये सिंपल बहुत ही क्लासी लगता है. सी, बींग सिंपल एंड बींग क्लासी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो मैं क्लास हमेशा मेंटेन करती हूँ. प्लीज़ आप कॉन्फिडेंस के साथ पहनिए. देखिए, योर हस्बैंड्स विल लव इट, योर फैमिली विल लव इट, योर फ्रेंड्स विल लव इट. कहता है कि कड़े और चूड़ियाँ लोगों को नहीं अच्छे लगते. अगर आप किसी भी फंक्शन में जाइए, सबसे पहले लोग तो चूड़ियों पे बहुत ध्यान देते हैं. बिकॉज दिस इज अ गोल्ड थिंग, सो आई वोंट ओनली गोल्ड 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 पे मैंने फोकस किया है, बट आई थिंक बैंगल्स आर एवरी वुमेंस फेवरेट. अगर आप किसी शादी में जाओ तो सबसे पहले लड़कियाँ और औरतें इतनी चूड़ियाँ पहनती है और बहुत अच्छा लगता है. बिकॉज जब आप जाते हो और इन लोगों से मुलाकात होती है तो कहीं ना कहीं वो लोग दे वॉकअप टू यू एंड से कि मैम आप हमारी इंस्पिरेशन रही है. तो चलो, जिंदगी में तो मैं उनकी इंस्पिरेशन रही हूँ. अगर ज्वेलरी के मामले और ड्रेसिंग के मामले में उनको इंस्पायर करती हूँ तो ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है. फैंस फॉलो मी, दे लव मी व्हेन दे वांट टू लव मी एंड दे क्रिटिसाइज मी ऑल्सो कि मैम ये सही नहीं लग रहा है, आप ये दोबारा मत पहनिए. ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है. सो कीप लविंग मी लाइक यू लव मी फ्रॉम कई किसी रोज टू नागिन टू, बिकॉज द रोड हैज़ द जर्नी हैज़ जस्ट बिगन. बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि एक रेवोल्यूशन जब आता है, जब कोई करता है, इट्स लाइक फॉलो द ट्रेंड. तो अगर आप उस चीज़ को कन्विक्शन के साथ करते हो, जैसे हमको ऐसा ही लगता था कि औरतें मतलब बिंदी ओके ठीक है हर औरत पहनती है गहने, वेल हर औरत पहनती है, बट उस चीज़ को स्पेसिफिकली एनहांस करना, आई थिंक थैंक्स टू कहीं किसी रोज़ एज रंगोला सिकंद मैंने वो ट्रेंड शुरू किया था. एंड थैंकफुली आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट अबाउट 2002 की बात है, इट्स ऑलमोस्ट अबाउट 14 years, बट आज भी लोग उस चीज़ को भूले नहीं है, उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं. एंड वी वॉन्ट टू रिवाइव द ट्रेंड ऑल ओवर अगेन. सो दोबारा नागिन टू में हमने वो सारे मतलब हैवी ज्वेलरी, हैवी मेकअप दोबारा हमने शुरू किया एंड आई थिंक इट्स रियली वर्क्ड. सो जब मैं छोटी बिंदियाँ डालती हूँ तो लोग बोलते अरे कमाल है सुधा जी, अच्छा नहीं लग रहा है वो, कुछ कीजिए ना ट्रेंडी. बस वही है कि आई कीप एक्सपेरिमेंटिंग विद अ लॉट ऑफ बिंदीज. अगर आप देखेंगे तो श्री श्री है जो मैं माथे पे भी लगाती हूँ और नोज़ पिन में भी, मतलब श्री या ओम मैं अपने नोज़ पे भी लगाती हूँ, विच इज़ वेरी ट्रेंडी, लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है. बट इसमें मैं क्या करती हूँ, अगर मैं ग्रीन और पर्पल के अलावा और कोई कॉम्बिनेशन साड़ी पहनती हूँ तो इस पे मैं और डेकोरेट कर लेती हूँ और बहुत बड़ा हो जाता है. सो आई थिंक दैट्स बेसिकली द वे दैट वी प्ले विथ. सी लाइक दिस, अगर इट्स लाइक एन एस, एस विथ एन एरो अक्रॉस. तो इस चीज़ को हम मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टी कलर साड़ीज में मैं यूज़ करती हूँ. अगर मैं यू नो टर्न बैक करती हूँ तो ऑलमोस्ट 20-25 साल हो चुके मुझे इस इंडस्ट्री में और आज भी उसी मतलब द लेवल ऑफ लव या अफेक्शन हैज़ नॉट गॉन डाउन. आज भी बहुत प्यार करते हैं और जब भी मैं कुछ अलग करने की कोशिश करती हूँ तो आई थिंक जैसे आप कहते हो कि ओनली यू कैन कैरी इट, बट यू कैन कैरी इट. ये जो कॉन्फिडेंस मुझ में आता है, आई थिंक इट्स ओनली बिकॉज ऑफ माई फैंस. बिकॉज जब भी मैं कुछ नया अटेम्प्ट करती हूँ दे लव इट, they criticize it also. So whatever I'm like successful today, I owe it to you guys. So keep loving me because that's all that I need for you. भाई ये तलाक नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक हाई वोल्टेज ड्रामा है, मगर फिर भी साथ रहना है. नहीं भाभी, ये कोई कहावत नहीं है, दरअसल ये सीरियल कसम की खबर है. हालांकि खबर तो मैंने आपको दे दी, एक बात बताता हूँ. हमारे पड़ोस में एक अंकल हैं, अपनी पत्नी से परेशान होकर कल कोर्ट गए. वहाँ के जज से कहा
कि सर ऐसा है, मैं अपनी बीबी से तलाक चाहता हूँ, पिछले 8 महीने से वो मुझसे बात नहीं कर रही है। जज बोले ऐसा है सुनो, 25 साल हो गए यहाँ बैठते बैठते, सोच समझ के तलाक लो, ऐसी बीबी हरे को नहीं मिलती है। तेरी मेरी यूं टूट गई सोनिए, जीवे टूटिया अमर तो तारा। तनु है मायूस, क्या इसकी वजह है ऋषि, या इनका रिश्ता जो आजकल दिख रहा है बिखरता हुआ। ऋषि चाहते हैं तनुजा से डिवोर्स, क्योंकि दिल है जो तनुजा को चाहने लगा, लेकिन दिमाग है जो तनुजा को बेवफा साबित करने के पीछे है अड़ा हुआ। दिल और दिमाग के दोनों के बीच में एक लाइन है जो दोनों के बीच में जो है ऋषि अभी अटका पड़ा। दरअसल हुआ यूं कि कोर्ट में डिवोर्स फाइल करने के बाद ऋषि, तनुजा और पापा लौटते हैं घर, क्योंकि ऋषि के पापा की तबीयत नहीं है ठीक, इसलिए उनके लड़खड़ाते हैं कदम। घर के हालात और बाबूजी की तबीयत को देखते हुए ऋषि लेते हैं एक फैसला कि अभी कुछ दिनों के लिए टाल दिया जाए ये मामला। बेचारी तनुजा, आंसू बहाने के अलावा उनके पास नहीं है कोई दूसरा चारा। डे वन से कोई भुगत रही है, जब जन्म से पहले भी वो भुगत रही थी और अभी भी भुगत रही है। पहले तनु बनके फिर तनुजा बनके, बट आई थिंक तनु एंड ऋषि वर एक्चुअली सो मच इनटू लव दैट नाउ अभी अब देखा जाए तो आई थिंक दोनों के बीच में शुरुआत में आई थिंक लव, इट वाज मोर ऑफ लव फ्रॉम हर साइड, बट ऋषि वाज ऑब्वियसली लाइकिंग हर, बट वो लाइकिंग ही नेवर एक्सेप्टेड इट, बट ही नेवर एक्सेप्टेड, बट ही वाज अबाउट टू एक्सेप्ट व्हेन समथिंग हैपेंड। ऋषि के डैडी चाहते हैं कि ऋषि और तनुजा के बीच ठीक हो जाए सिचुएशन और ना रहे कोई भी कंफ्यूजन, इसलिए वो करते हैं दोनों को समझाने की कोशिश, और शायद कहीं ना कहीं ऋषि भी यही चाहते हैं, बस किसी से कह नहीं पाते हैं। मैं भी एक्चुअली वेट कर रहा हूँ उस मौके के लिए जब सब कुछ क्लियर हो जाए, जितनी भी आई थिंक मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, जितना भी आई थिंक हम दोनों के बीच में जितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट की गई हैं वो सब दूर हो जाए, फाइनली ऋषि तनुजा को बोले कि आई लव यू अलॉट, एंड ऑब्वियसली यू नो व्हेन सब कुछ नॉर्मल हो जाए और सब कुछ हैप्पी को लकी रोजी हो जाए, बट आई थिंक दैट विल टेक सम टाइम। भाई हम भी यही चाहते हैं कि आप दोनों के बीच जल्द हो जाए सब कुछ ठीक और ना टूटे आप दोनों की कसम। रुचिका सिंह के साथ गीतिका पंत, मुंबई, न्यूज 18 इंडिया। सीरियल साथ निभाना साथिया के अंदर अहम के एक्सीडेंट का इल्जाम लगा जग्गी पर, उनको जेल भी हुई मगर जग्गी जेल तोड़कर भाग गए। बताइए ये क्या चल रहा है देश के अंदर, लोगों को जेल हो नहीं रही है और जिनको हो रही है वो निकल कर भाग जा रहे हैं। भाभी जी मैं इस पे क्या मजाक बनाऊं, ये खुद ही सबसे बड़ा मजाक बन गया है। जग्गी है गोपी के लिए बेचैन, कैसे निकले सलाखों से बाहर यही सोच रहे हैं जग्गी भाईजान। कहीं ना कहीं जग्गी की माँ उर्वशी और उर्मिला को भी है ये यकीन कि ये हरकत जग्गी की नहीं कर सकता जग्गी किसी का खून, जरूर इसके पीछे कोई और है कहानी। हमें तो पहले से ही पता, बस तू ही अपने आप को दोषी मान रहा चक्रवर्ती का। अब बेचारे जग्गी करें तो करें क्या, एक तरफ लॉकअप में सजा और दूसरी तरफ गोपी है खफा, इसीलिए जग्गी ने सोचा क्यों ना हो जाए लॉकअप से फरार। और लॉकअप से भागने के लिए देखिए तो जरा कैसे दिया जग्गी ने पुलिस वालों को चकमा।
जेल से नहीं लॉकअप से फरार हुआ। जेल तो मतलब तब होती है जब इंसान को सज़ा मिल जाती है, और हाँ पुलिस लॉकअप है ये। तो मैं यहाँ से फरार होकर जाता हूँ गोपी के पास, समाज आके ड्रामा वामा करता हूँ कि यार जो भी है हो गया, ये मुझसे हादसा हुआ तो देखते हैं लेट्स सी क्या होता क्या नहीं आ गया। लॉकअप से तो आपको छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन रूठी हुई गोपी को मनाने के लिए कौन सा आइडिया काम आएगा, इसके बारे में कुछ सोचा है या नहीं? लड्डू लेके जाऊंगा पीले रंग के, 4 उसको अच्छे लगते हैं, गोपिका को खा लेगी और सेट हो जाएगी। भाई वाह जग्गी, आपका आइडिया तो लग रहा है बेमिसाल। वी विश कि ये आपके और गोपी के रिश्ते को सुधारने के लिए जरूर दिखाएगा कमाल। सोनिया शर्मा के साथ गीतिका पंत, मुंबई, न्यूज 18 इंडिया। तो भाई सीरियल थप की प्यार की है मैं फाइनली कोसी देवी की पोल बिहान के सामने खुल गई। भाभी किसी महान आदमी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि सच चले अपार दिन और झूठ चले सिर्फ 4 दिन। हालांकि ऐसी कोई बात है नहीं, ये बात मैंने ही कही है, खामों का आपको इमोशनल करके खुद को महान साबित कर रहा हूँ। लेकिन भाभी मैं चाहता तो ये बात दबा भी सकता था, लेकिन मैंने सच बोल दिया। और हाँ, सच बोलने वाला भी महान होता है। मुझे छोड़ दो मेरे हाल पे, मुझे छोड़ दो मेरे हाल पे, जिंदा हूँ यार काफी है, जिंदा हूँ यार काफी है। आज टूट गया है बिहार, आज उठ गया है उसका माँ पर से भरोसा। जिस माँ के कोख से उसने जन्म लिया, उसी ने आज उसके होने पर सवाल खड़ा कर दिया। दरअसल बिहान के सामने आ गई है कोसी की सारी सच्चाई, जिसे खुद कोसी ने कबूल किया है। तबकी ने चली कोसी के साथ एक ऐसी चाल जिसे कोसी का हाल हो गया बिहार। जी हाँ, थपकी ने कोसी की कमर में बांध दिया एक बॉम्ब, जिसके बाद कोसी ने दिए अपने होश खो और फट से बिहान के सामने उगल दिए सारे सच, जिसके बाद बिहान ने कोसी को दिखा दिया बाहर का रास्ता। मैंने खुद ने अपनी पोल खोल दी है और खुद मैंने इनसे विनती की है कि बस चले जाओ घर छोड़ के, बहुत बहुत सम्मान आपका। अटैचमेंट तो होता ही है, माँ जन्म देने वाली माँ तो यही है। बाय चाहे से उन्होंने कुछ भी किया हो, उन्होंने मुझे कुछ ना माना हो, लेकिन मैंने तो इन्हें माँ माना ही है, भगवान जितना माना है। और माँ दिल में अभी भी प्यार है, लेकिन कह रहा हूँ कि इनको कहा भी मैंने कि जो मैं आपको माँ बोल नहीं पाऊंगा, बस बाकी मैं जानता हूँ, मेरा दिल जानता है कि आप ही मेरी माँ। लेकिन कोसी भी नहीं है कम, जाते जाते उसने भी ले ली थपकी से बदला लेने की कसम। कोसी देवी ये सोच के जा रही है कि जिसकी वजह से ये सारा हुआ थपकी, उससे तो रिवेंज लेना। अब थपकी गई काम से, डूट गई काम से, अब कुछ नहीं कर सकते आप थपकी का। स्वर्गवासी नहीं हुए, घर से बाहर गए, लौट के आ सकते हैं। अब हमें असलियत पता पड़ गई है जी। नहीं अब देखना, अब हाँ आई एम कोसी, कंपटीशन हो रहा बताओ। मेरा दिमाग ना नासा साइंटिस्ट की तरह है, बहुत तेज, चाचा चौधरी से तेज चलता है मेरा दिमाग। मेरे सामने आते हैं, मेरे को सब पता चल जाता है। लेकिन इन सब के बीच जिस पर गई हमारी नजर वो है बिहान का ये फोन कवर, जिसे देखकर आपकी नजरें भी जाएंगी एकदम ठहर। क्यों नहीं होगा सेक्सी मुंडा, लुक एट द मदर, ओ माय गॉड। एक्चुअली उन्होंने मुझे कहा भी कि एक ऐसा बनवाओ सेक्सी मुंडे की सेक्सी मदर। हाँ। क्योंकि आज ये बड़ी हॉट है, आज ये थोड़े से बुखार में है तो ज्यादा हॉट लग रही है, ज्यादा बुखार हो गया है। सेक्सी तो आप है ही, ये तो हमें पता है, लेकिन सीरियल में अब आप थपकी की हालत कैसे खराब करती हैं, उस पर भी है हमारी नजर। आलोक मिश्रा के साथ प्रिया चौहान, मुंबई, न्यूज 18 इंडिया। भाभी जी जैसा कि आप जानती हैं कि बिग बॉस 10 के अंदर मेरे फेवरेट कंटेस्टेंट हैं मनवीर गुजर। मैं तो उनके घर भी गया था, आपने देखा ही होगा। अभी उनके सर पे चोट लग गई है भाभी, मैं प्रे करता हूँ कि उनकी चोट जल्दी ठीक हो जाए। लेकिन भाभी जी बिग बॉस के सेट के अंदर कुछ ऐसे भी कंटेस्टेंट हैं जिनके सर के अंदर चोट लगी हुई है। हर रोज कोई उलूल जुलूल हरकत करते रहते हैं और हर रोज सलमान भैया से डांट खाते हैं। जी हाँ, क्या लेडीज एंड जेंटलमैन, अगली जो खबर है वो है फ्रॉम बिग बॉस 10। प्यार पहले तकरार से ही स्टार्ट होता है। मेरी तो फ्रेंडशिप भी जैसे लड़कों से होती है ना, ऐसे ही तकरार से ही स्टार्ट होती है।
रहेगी इसके साथ? अरे माँ, इसके साथ में सो भी रहे माँ। ये क्यों हो रहा है? भाई, भाई, भाभी। वो अलग सो रहा था। हम कहाँ सोए साथ? I didn't even know कि मिलवीर और नेता मगर बीच में कुछ हो रहा था। First time मैंने नोटिस किया था तो मुझे थोड़ा सा मूव लगा। आप फिर म्यूचुअल दिख रहे हैं। एक लड़का लड़की दोस्त है, होते कौन है? मैं पेरेंट्स शो देख रहा हूँ, वो ये सब बातें सुनेंगे, उनको तो अजीब लगेगा ना। अब वक्त आ गया है इस हफ्ते की नॉमिनेशंस की प्रक्रिया का। इस हफ्ते नॉमिनेशंस की प्रक्रिया कुछ अलग होगी। बिग बॉस द्वारा सभी घर वालों के लिए बलून्स वाली बेल्ट भेजी जा रही है। सभी घर वाले अपनी कमर पे बिग बॉस द्वारा भेजी गई बेल्ट्स पहन लेंगे। आज बिग बॉस समय समय पर 5 बजर बजाएंगे। एक बजर के बजने पर घर का कोई भी एक सदस्य लिविंग एरिया में रखे पिन का इस्तेमाल कर एक अन्य सदस्य का बलून फोड़कर उस सदस्य को घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट कर देगा। आपकी जो रिस्पेक्ट, अरे यार आपने तो यार स्वामी ओम के साथ मेरी तुलना की है नेशनल टीवी पे। करिए, सही करिए। नहीं, आप खुद नहीं कर सकते। हाथ पकड़ के रखो, आप भी नहीं कर सकते। मेरी मदर एक्सपायर हो गई, मैं इसलिए गया था। जी वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का, तो एक बार और अर्ज किया है कि नहीं नहाकर मैंने गर्म पानी को दिया गच्चा, नहीं नहाकर मैंने गर्म पानी को दिया गच्चा, और लांगूर वाटर हीटर सस्ता नहीं सबसे अच्छा। कहते हैं कि ठंड के मौसम में लोग सुस्त हो जाते हैं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो नहीं मानता, मेरा मानना है कि ठंड के मौसम में लोग फटाफट काम करते हैं। जी हाँ, जो लोग गर्मी के मौसम में नहाने में 10 मिनट लगाते थे वो आजकल 2 मिनट में ही बाथरूम से बाहर आ जाते हैं। भाई मेरा हो गया, भैया मैं नहा लिया, ऐसा चल रहा है। खैर भाभी जी, आइए इसी ठंड का फायदा उठाते हैं और आपको भी फटाफट खबरें सुनाते हैं। सीरियल की फटाफट खबरों की करते हैं शुरुआत, जहां सबसे पहले दिखाते हैं आपको टीवी एक्टर डिंपल का ग्रैंड रिसेप्शन, जहां देखने को मिला दूल्हा दुल्हन का डांस, साथ ही यहां पहुंचे टीवी इंडस्ट्री के कई स्टार्स। वेरी एक्साइटेड, बहुत मजा आ रहा है, न्यू लाइफ न्यू बिगनिंग। हर लड़की का एक सपना होता है वो दुल्हन बने, एंड मेरा भी वो एक सपना था जो आज पूरा हो गया। आई एम वेरी एक्साइटेड बट लिटिल बिट नर्वस, एज आई एम द ओनली चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स, सब छोड़ के जाना इट्स डिफिकल्ट, बट मुझे कोई टेंशन नहीं है बिकॉज आई हैव सनी, ही इज लाइक अ फ्रेंड एंड अ लाइफ पार्टनर टू मी। भाई पार्टी तो हो गई जमकर, अब जरा चलते हैं सीरियल ये है मोहब्बतें के सेट पर, जहाँ इशिता है परेशान और पहुंची है मदद मांगने शगुन के पास। दरअसल किसी ने बना दिया है रूही का MMS, जिससे हैं दोनों अनजान, इसीलिए मिलकर निकाल रही हैं समाधान। अब आपको दिखाते हैं सीरियल शक्ति का हाल, जहां प्रीतो चाहती है कि सौम्या से दूर हो जाए हरमन, जिसके लिए चाहिए हरमन की रजामंदी, इसीलिए कर रही है सौम्या को परेशान। अब आपको लेकर चलते हैं सिमर के ससुराल, जहां हुआ जमकर बवाल। दरअसल पीयूष और वैदेही कर रहे थे एक साथ काम, जिसका खुशी ने बना दिया बखेड़ा और दोस्ती को कर दिया बदनाम, लेकिन प्रेम ने दिया यहां वैदेही का ही साथ। भाभी, साइंस की एक टीचर ने एक बच्चे से पूछा कि बताओ बेटा जिंदा रहने के लिए क्या जरूरी है, तो बच्चे ने बोला जिंदा रहने के लिए एक मुलाकात जरूरी है सनम। उसके बाद वो बच्चा बहुत पिटा, और आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि वो बच्चा मैं था, और नहीं तो क्या। अब एक बात बताओ भाभी, हमारी मुलाकात रोज नहीं हो तो जीने में मजा आएगा क्या? नहीं ना, तो इसीलिए भाभी जी मुलाकात बहुत जरूरी है। तो भाभी जी फिलहाल तो वक्त हो गया मेरे जाने का, लेकिन कल दोपहर 1:30 बजे फिर मुलाकात होगी भर भर के स्पेशल खबरों के साथ। तब तक भाभी जी अपना ख्याल रखिएगा, और जैसा कि भैया कहते हैं, हंसिए मुस्कुराइए जो मर्जी आए कीजिए, किसी ने रोका है क्या? भाभी तेरा नेवर दीवाना।